यार काफी टाइम हो गया अपने रिपोर्टर से बात नहीं हुई। बात करता हूँ। हेलो, हाँ भाई रिपोर्टर, कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ, कैसे कॉल किया? अबे कहाँ गायब है? इतनी बढ़िया बढ़िया न्यूज़ लाके दे रहे थे तू मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, लोगों को इतना मजा आ रहा था। तेरे बिना ना यार चैनल बहुत अधूरा सा लग रहा है। बता फिर कब से आ रहा है काम पे? नहीं मैं तो काम पे आ जाता, लेकिन शायद आपको किसी ने ये बात नहीं बताई कि जब किसी से काम करवाते हैं ना तो उसके बदले पैसे भी देने होते हैं, समझा गरीब? अब फोन रख। इसने तो बेइज्जती कर दी यार। सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार अपना न्यूज रिपोर्टर तो मान नहीं रहा आने के लिए वापस, तो मजबूरन आज की सारी न्यूज मुझे ही तुम लोगों को सुनानी पड़ेगी। ठीक है, अभी मुझसे ही काम चला लूँ, उसको मना लूंगा मैं बाद में। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये है अपनी सबसे पहली वायरल खबर, जहाँ पे बॉलीवुड की दो वाइल्ड कैट्स यानी कि जैकलिन और नोरा फतेही आपस में लड़ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही हैज सूड हर कलीग जैकलिन फर्नांडिस। नहीं आपस में लड़ रही है ये बड़ी बात नहीं है, किसको लेके लड़ रही है वो बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों लड़ रही है अपने कॉनमैन सुकेश के लिए। एक बार सुकेश की ना फोटो जूम करके देख लो। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम। एक नंबर का चोर आदमी लग रही है, और इस आदमी के लिए बॉलीवुड की दो विश्व सुंदरियां लड़ रही है आपस में। वो बोल रहा होगा लड़ो, मैं तो जेल में बैठ के आराम से मूंगफलियां खा रहा हूँ। वैसे बात यह है कि नोरा फतेही ने जैकलिन को सू किया, ये बोल के कि जैकलिन उस पे उल्टे सीधे एलिगेशंस लगा रही है और उसको डिफेम कर रही है। एलिगेशंस तो तुमको पता ही है कि नोरा फतेही ने सुकेश से बहुत सारे गिफ्ट लिए, 100-200 करोड़ के समथिंग ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। और जितने चमकीले कपड़े ये झलक दिखला जाके शो में पहनती है, उन कपड़ों को देख के थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है कि भैया 100-200 तो नहीं, 50-60 करोड़ तो इसको मिले ही होंगे। मजाक कर रहा हूँ, मुझे सू मत कर देना प्लीज। सॉरी। मैं क्या बोल सकता हूँ यार, बॉलीवुड की इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ सुकेश नाम के चोर आदमी से पट रही हैं। इससे बढ़िया हमसे पट जाती? अच्छा नहीं, सुकेश जितने पैसे तो नहीं है हमारे पास, पर इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर्स से ज्यादा है, तो सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं जैकलिन ने पैसे लिए, कुछ बोल रहे हैं नोरा फतेही ने पैसे लिए। जिस बंदे से पैसे लिए हैं वो कहीं और से पैसे चुरा के लाया, ये हेरा फेरी का पार्ट 3rd लग रहा है मुझे। वैसे इन दिनों के ऊपर एक मूवी भी बन सकती है, प्यार कतड़ का कुछ ऐसा लगा, तू भी फंसा और तू भी फंसा। तो अगली न्यूज है इस इंसान को लेके जो बिल्कुल शाहरुख खान की कॉपी लगता है, एकदम उसकी तरह ही है ये। मेरे को तो लगता है ये और शाहरुख खान ना बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। गाइज ये न्यूज नहीं है, ये टास्क है तुम्हारा, डिफरेंस ढूंढ के बताओ तो दोनों में से असली कौन है, क्योंकि मैं तो पता नहीं लगा पा रहा हूँ यार। जूम करके देखते हैं एक बारी, मुझे तो भाई यही रियल वाला शाहरुख खान लग रहा है। नहीं आजकल स्टार्स लोग जाते हैं ना प्रमोशन करने अपने गानों का, डांस वांस करते हैं कहीं कॉलेज में या फिर मॉल्स वगैरह में जाके, क्योंकि इसके मोटे पेट के अलावा और कोई चीज नहीं है जिसे तुम बता सकते हो कि ये रियल है या फेक है। लेकिन हमारी नजर बहुत पैनी है, जब इस बंदे ने दोनों पैरों में अलग अलग कलर के लेसेस पहने ना, उधर इच्छी पकड़ लिया था अपन ने। इस बंदे का नाम है इब्राहिम, ये है शाहरुख खान की कॉपी, फर्स्ट कॉपी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये भाई ओरिजिनल कॉपी से भी ज्यादा ओरिजिनल लग रहा है। ये तुम्हारी क्लास का वही बच्चा है जिसको तुम अपनी कॉपी देते थे होमवर्क करने के लिए, और साथ में ये भी बोलते थे कि भाई होमवर्क ना एग्जैक्ट वैसा कॉपी मत कर लियो मेरी तरह, थोड़ा आगे पीछे करके करियो नहीं तो मैम को शक हो जाएगा कि हम दोनों ने कॉपी किया है। पर ये तुम्हारी बात कभी नहीं सुनता, आज देख लो कोई डिफरेंस ही नहीं बता पा रहे दोनों में से रियल कौन है। यहाँ इंस्टाग्राम पे पिछले 2 साल से कॉमेडी कर करके मुझे ब्लू टिक नहीं मिल पाया, और इस बंदे ने शाहरुख खान की एक्टिंग करी इसको ब्लू टिक मिला हुआ है। पर डांस बड़ा कमाल का यार, इसका शरीर अलग डांस कर रहा है, इसकी गर्दन अलग डांस कर रही है। एक बार चेक कर लो जरा ध्यान से, कहीं स्प्रिंग ना लगे उसकी गर्दन पे। और ये इतना रियल शाहरुख खान लग रहा है ना कि शाहरुख खान थोड़े पैसे इसी को दे देगा और बोलेगा भाई प्रमोशंस में ना तू ही जा लेकर। तो ये न्यूज है पाकिस्तान की, जहाँ पे एक शादी में लड़की ने ऐसा डांस किया कि उसकी वीडियो फिर वायरल हो गई। पता नहीं क्या था इस पे, पर हो गई वायरल। यार ये हो क्या गया पाकिस्तान की लड़कियों को, जिससे देखो शादियों में जाके इंडियन गाने पे डांस करके वीडियो डाल देती है सोशल मीडिया पे, और कमाल की बात यह है कि भैया वायरल भी हो जाती है। भाई मेरा तो ये मानना है ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब ना पार्शियलिटी तो करता है भाई लड़का लड़की में। नहीं हम इतने सालों से वीडियो बना रहे हैं इस उम्मीद में कि किसी दिन भैया हमारा रोस्ट भी कैरी मिनाटी की तरह वायरल होगा, होगा एक दिन। इतने में एक शादी में जाके लड़की ठुमका लगाती है मिलियन। गलत बात है यार, नहीं मैं तो कहता हूँ हमें भी डांस ही करना चाहिए, यहाँ से वेव्स जानी चाहिए, यहाँ से और वहां से निकलनी चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, चलो रहने देते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो ये इस वीडियो में कर ही क्या रही है, सांप की तरह इधर उधर जा रही है बस, और इतना सा करने पे ये इतना वायरल हो गई कि इंडिया टुडे, सुन रहे हो मेरी बात, इंडिया टुडे के ऑफिशियल पेज के ट्रेंडिंग सेक्शन पे है ये। मतलब इंडिया टुडे के पास और कोई न्यूज नहीं रह गई थी दुनिया में दिखाने की, दुनिया में कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इस लड़की पे कैमरा डालो, क्या डांस करती है शादी में? यार वैसे मैं भी बचपन से ना शादियों में जा रहा हूँ, पर अच्छे डांस मैंने कहीं नहीं देखे आज तक, मैंने तो ऐसे टाइप के डांस ही देखे आज तक। लगता है मैं गलत शादियों में जा रहा था, इतनी जल्दी बच्चों का सिलेबस नहीं बदलता जितनी जल्दी इंस्टाग्राम के ट्रेंड बदल जाते हैं। मुझे तो लग रहा है अब इस लड़की का भी ट्रेंड चलेगा इंस्टाग्राम पे, इससे पहले कि ये तबाही इंस्टाग्राम पे पहुंचे एक महीने के लिए अपने कान पे रुइयां डाल के रख लो। वैसे हमारे बगल वाले मुल्क की लड़कियां डांस तो अच्छा करती है। शाबाश बेटा। यार इतनी पतली बंदूक मैंने आज तक नहीं देखी अपनी लाइफ में, और गोलियां आखिर निकल कहां से रही हैं? मैं तो कह रहा हूं इसके पीछे चेक करो, पीछे से ना निकल रही गोलियां कहीं। और भाई तेरे को मैं एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, ज्यादा मत उछल प्लीज, तेरे शरीर में बचा कुचा कच्चा है वो भी उतर जाएगा, और वो हम बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। मैं खुद स्किनी हूँ पतला हूँ, लेकिन इसको देखने के बाद मैं खुद को थुलथुला महसूस कर रहा हूँ।
भाई बस कर जा, तू टूट जाएगा, तू बिखर जाएगा। सारे गाने पे आज ही डांस करेगा क्या? थोड़ा सा थम जा, अगर थोड़ी देर ऐसे करता रहा तो तेरी हड्डियां बाहर निकल के कीर्तन करने लगेंगी, तो प्लीज थोड़ा सा रुक जा। और इसके घर वालों को बोलो इसको थोड़ा खिला पिला लो, नहीं तो ये खड़े खड़े बिखर जाएगा किसी दिन। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग न्यूज लगी, एक लड़की मंजुलिका बनके मेट्रो में सबको डरा रही है। सबसे पहले ना मुझे ये बताओ कि मंजुलिका को मेट्रो की टिकट्स दी किसने? ये ऐसा मुंह बना के मेरे सामने आ जाए ना टिकट मांगने, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगूं उसके सामने। और ये मेट्रो में खुलेआम घूम रही है क्या? वो भूल भुलैया में तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ क्या अभी तक? हाँ हेलो, कार्तिक आर्यन से बात हो रही है? हाँ वो भूल भुलैया थर्ड की स्क्रिप्ट मिल गई है। एक तो भूल भुलैया चंद्रमुखी की कॉपी थी, उसके भी दो पार्ट बने हुए थे, इस मूवी के भी दो पार्ट बने। अब इतनी मंजुलिका देख चुका हूँ ना कि रियल में मेरे सामने अगर वो आ जाए तो मैं तो गाना गाना शुरू कर दूंगा। मेरे ढोलना बंद करो हाथ जोड़ के। मैं गाना सुन के अनसब्सक्राइब मत कर देना प्लीज। और वीडियो का सबसे बढ़िया पार्ट तो ये वाला था, एक बंदा कानों में हेडफोन लगा के बैठा है, उस बेचारे को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है मेरे आगे पीछे। तू हेडफोन निकाल, यहाँ देख। जैसे ही बेचारा हेडफोन निकालता है वो बोलता भैया कौन सी दुनिया में आ गया मैं। ये मैं उस लड़के की जगह होता ना तो मैं राजा बनने की एक्टिंग करके उसको भगा देता, इतने अच्छे से देख रखी मैंने भूल भुलैया। और कमाल की बात है कि ये वीडियो भी मुझे न्यूज चैनल पे दिखी। न्यूज वाले पाकिस्तानी शादियों की डांस की वीडियो दिखा रहे हैं, वहाँ जोशीमठ में इतना कुछ चल रहा है वो सब नहीं दिखाना न्यूज वालों को, क्योंकि आजकल यार पूरी दुनिया पैसे और टीआरपी के पीछे ही भाग रही है। देख गलत हो रहा है यार, क्या कर सकते हैं। भाई तू XXX Tentacion नहीं लग रहा है, तू लग रहा है XXX माल न्यूट्रिशन, खाना खिलाओ इसको पहले कोई। सो गाइस XXX Tentacion एक क्रिमिनल रैपर था जो कि काफी फेमस है आज भी, इज नो मोर, पर उसके अभी भी बहुत सारे फैंस हैं, मैं खुद उसके बहुत सारे गाने सुनता हूँ। पर इस बंदे को देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं, इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। भाई गेटअप तो भाई ने पूरा ले रखा है उसी की तरह, पर शक्ल जैसी बनाई है माशाल्लाह। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि हर सेलिब्रिटी का स्टाइल सिर्फ उसी पे ही सूट करता है, जरूरी नहीं है हर किसी पे सूट करे। जैसे कि इसने XXX Tentacion के बाल कॉपी करें उस पे तो सही लगता था, पर ये गलती से बाहर ये बाल लेके चला जाए तो लोगों को लगेगा सर पे गोबर लेके घूम रहा है। भाई बैग और चेन तो एकदम उसी की तरह पहनी है, पर भाई तू उतार दे क्योंकि तेरा शरीर ना उतना वजन झेल नहीं पाएगा, कहीं तू गिर गुर गया तो तेरे नकली दांत टूट के बाहर ना गिर जाए। सबसे बढ़िया तो इसने डांस का स्टेप किया, वैसे वो तो सिंगर था लेकिन ये डांसर बहुत बढ़िया निकला। स्टेप्स देखो यार इसके, मतलब ये डांस कर रहा है खुजली कर रहा है ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे खतरनाक बात इसका डांस नहीं है, सबसे खतरनाक बात है जो डांस करने के बाद लास्ट में ये रुकता है। भाई उसका लुक देखने के बाद सारी लड़कियां बेहोश हो जाएंगी। जब भी तुम लाइफ में कंफ्यूज हो जाओ ना कि क्या करना है लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत डीमोटिवेटेड फील करो, तो बस इसका ये वाला पोज याद कर लेना। और ये सबसे बढ़िया वाली न्यूज है, मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी। इस लड़की ने बच्चों के डायपर के जो पैकेट होते हैं उसकी ड्रेस बना दी। हो क्या रहा है इस धरती पे, मतलब क्या चल रहा है? किसी प्रोडक्ट का ऐसा प्रमोशन मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। वैसे ब्रांड के लिए ठीक है, देखो पहले मॉडल हायर करना पड़ता था, फिर प्रमोशन वीडियो शूट होता था, फिर एक्टर को पे भी करो। इसका सही है यार, फ्री में डायपर वाली कंपनियों का प्रमोशन कर रही है। नहीं इसमें उसको क्या मिल रहा है ये हमें नहीं पता, कर रही है तो कर रही है, खैर कहां से सीखा होगा उसने ये सब। अरे हम कैसे भूल गए हमारे लेजेंड, फैशन वर्ल्ड की आइकॉन, टूटे फूटे कपड़ों को अपने बॉडी में लगाने वाली फैशन की इकलौती देवता उर्फी जावेद। लगता है इसने वहीं से सीखा है अपने फैशन डिजाइनिंग का पूरा कोर्स, क्योंकि उर्फी जावेद हमको यही सिखाती है फैशन डिजाइनिंग के लिए बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सिर्फ अच्छी चीज बनाने का नहीं बेकार चीज बनाने का भी होना चाहिए। वैसे ही उर्फी जावेद की बीमारी ने बहुत धीरे धीरे फैल रही है हमारे देश में, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मोदी जी कुछ करो कुछ करो, बच्चे अपनी बॉडी में कुरकुरे लेस चिपका के घूमेंगे। वाह क्या सीन है। वैसे कुछ भी बोलो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में कोई भी चीज कभी वेस्ट नहीं जाती, फिर चाहे वो बच्चों का डायपर ही क्यों ना हो। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सबसे फेवरेट न्यूज कौन सी लगी वो नीचे कमेंट जरूर कर देना। और हाँ आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे मैं बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा हूँ, तो उस चीज के लिए थोड़ा तारीफ भी कर देना कमेंट सेक्शन में। वो क्या है ना इंसान पैसों का भूखा थोड़ी होता, इंसान तो तारीफ का भूखा होता है और थोड़ा सा स्पॉन्सर्स का भी। एंड गाइस खुशी की बात यह है कि अपना व्लॉग चैनल अपने रोज चैनल को भी पीछे छोड़ने वाला है, तो जिसने आदित्य रावत व्लॉग्स चैनल नहीं देखा जाके देखो, और इस चैनल से पहले ना वहां मिलियन हो जाएंगे तो वहां जाके भी फॉलो कर लो। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा वो इंस्टाग्राम पे कर लेना। तो मैं चलता हूँ रिपोर्टर को पटाने के लिए, उसकी थोड़ी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।